सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। और ख़तरनाक किस लिए होने वाली है, जो भी लोग वीडियो राधा दीदी की अगर डाउनलोड करके आप अपने चैनल पर डालना चाहते हैं तो वो पूरी वीडियो नहीं डालें। और जिसमें मैं 100 बातों की एक बात करने वाला हूँ, जो कि फेसबुक पर नैना राधा अरियारी ब्लॉग है चैनल का नाम, मतलब फेसबुक पेज है नैना राधा अरियारी, ये फेसबुक पेज है। इस पे जाके सबसे पहले तो आपको रिपोर्ट मारनी है गाइस। जी हाँ गाइस, आपको रिपोर्ट करनी है इस पेज पर, और आपको जो है इस पेज की जो भी वीडियो है सबको रिपोर्ट मारनी है। जी हाँ गाइस, यार आप लोग अगर उठना चाहते हो ऊपर तो आप अपने दम पर उठो, औरों के दम पे क्यों उठते हो? आप उनकी वीडियो डालते हो यूट्यूब पर तो पता है कहाँ हम दूसरे की वीडियो डालेंगे तो हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो आप लोगों के इस वजह से जो आप दूसरों की वीडियो नहीं डालते, और वो जो लड़की है वो, मैंने उसका पूरा पेज देख रखा है, मैंने मैसेज भी कराया, कोई रिप्लाई नहीं कर रही है वो। और अगर आप वो वीडियो देख रही हैं मेरी, जो कि इनका पेज है, अगर आप वो वीडियो देख रही हैं तो देखो, आज जो है ये लास्ट वार्निंग है। राधा दीदी ने जो बनाई थी वीडियो वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, मैं इसमें अच्छे से समझा देता हूँ। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हारा पेज को डिलीट करवा सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहें तो उनका पेज भी डिलीट कर सकते हो। आप ऑडियंस में इतना दम है कि आप उनका पेज भी डिलीट कर सकते हो। तो वो यार मैं इतना नहीं करना चाहता, क्योंकि कोई अपने दम पे खड़ा होता है तो उसको खड़ा हो लेने दो, वही मुझे अच्छा नहीं लगता था। राधा दीदी बोलती थी कि वो मेरी फेसबुक पेज पे वीडियो डालती है और मेरे पेज को कोई भी फॉलो नहीं करता। अगर आपने राधा दीदी का ओरिजिनल पेज फॉलो नहीं करा तो वो कर लेना, राधा देवी अरियारी नाम से ही है, पीली साड़ी का फ़ोटो लग रहा है। और जो राधा दीदी की एडिट फ़ोटो है उस पर आपको फॉलो नहीं करना है गाइज। और आप, मैं साफ साफ बता देता हूँ, उस पर जाके रिपोर्ट करनी है पेज पर, और हर एक वीडियो पर जो भी राधा दीदी की वीडियो है, रश्मि दीदी की वीडियो है, उन पर सब पर रिपोर्ट मारनी है गाइज। आप लोग बस इतना काम कर दो, अगर आप राधा दीदी को लाइक करते हो, आप लोग उनकी वीडियो देखते हो तो आप इतना सा काम कर दो, उनके जो है रिपोर्ट मार दो बस। रिपोर्ट में उनका फेसबुक पेज की जो वीडियो है वो डिलीट हो जाएंगी। अगर आप वीडियो देख रही हैं तो आगे से कोई भी वीडियो मत डालना राधा दीदी की, नहीं कोई यार करना है तो अपने दम पे उठो। और तुम्हारे 15,000 उस पर फॉलोवर भी हो गए हैं, तो आप जो भी वीडियो डाली उन्हें डिलीट कर दो और अपने दम पे अब अपने अपना जो कंटेंट होता है वो दिखाओ। मतलब यार सही नहीं है यार, ऐसे किसी के दूसरे के पेट पे लात मारना अच्छा नहीं है, क्योंकि उनका फेसबुक पेज कोई फॉलो नहीं कर पाता। आप लोग, आपके पेज को हर कोई फॉलो कर रहा है, तो इस वजह से ओरिजिनल पेज जो आपका समझ रहे हैं, और अच्छे के पल्ले में पड़े नहीं हूँ। और अब मैं बताने वाला हूँ, ये मेरी पहली वीडियो है, अगर इसके बाद अगर तुम्हारी कोई भी वीडियो आई तो उस पर एक्शन भी उठेगा, कानून भी इसके लिए आगे बढ़ता है, कानून कार्रवाई भी होगी। A to Z जो भी कोई है, अगर मान रहे हो तो मान जाना इस वीडियो से, नहीं तो अब जो वीडियो आएगी वो कुछ ज़्यादा खतरनाक आएगी, मैं देख लेना बाट लगा के रख दूंगा। क्योंकि अब मैं जो पहले सीरियस नहीं था, मैं खुद यही चाह रहा था कि दीदी का अगर डाल रहे हैं तो डाल लेने दो, एक दो वीडियो डाल के किसी का चैनल ग्रो हो जाए तो हो जाने दो। तो वो तो यार हर कोई सी वीडियो डालती हैं, जो भी वीडियो डालती हैं ना उसके एक घंटे बाद फेसबुक पेज पर मिल जाती है, वो फेसबुक पेज पर डाल नहीं पाती, इससे पहले ये डाल देती हैं। अब बताओ यार इससे भी ज़्यादा क्या होगा, तो आपको रिपोर्ट करनी है। अगर रिपोर्ट के बाद में भी आप अगर नहीं माने तो फिर भैया कानून कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, मैं यहीं से कानून कार्रवाई कर दूंगा। और ऑनलाइन वाले, और ऑनलाइन वालों ने नहीं सुनी तो वहाँ जाके भी कर देंगे, राधा दीदी से हम करवा देंगे। और बाकी मैं तो वहाँ पे जाने ही वाला हूँ कुछ दिन में, 2-4 दिन में ही तो करवा देंगे। आप लोग बस इतना काम कर देना, रिपोर्ट कर देना उस पेज को। तो गाइज, आई होप ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।